नमस्कार दोस्तों दोस्तों ये एक रियल स्टोरी है जिसमें एक बिल्ली कैसे एक बेघर और ड्रग से आदि इंसान की लाइफ बदलती है और उसकी जिंदगी को कामयाब बनाती है। उनके जिंदगी के उतार चढ़ाव को हमें इस मूवी में बखूबी दिखाया गया है। दोस्तों मूवी की शुरुआत में हमें जेम्स को दिखाया जाता है जो एक होमलेस और ड्रग की आदत छोड़ा हुआ लड़का होता है और लंदन स्ट्रीट पर गाना गाकर अपना गुजारा कर रहा होता है। लेकिन इस चीज से उसकी इतनी कमाई नहीं हो पाती कि वो किराए पर एक घर ले सके और अच्छा खाना खा सके। और हम देखते हैं कि वो कचरे से खाना उठाकर अपना पेट भरता है और एक दुकान पर खाना लेने जाता है जहां उसके पास पैसे कम पड़ गए होते हैं, जिससे वो बाकी के पैसों के बदले दुकानदार को गाना सुनाता है। लेकिन दुकानदार उस खाने को फेंक कर उसे वहां से भगा देता है। और वहीं बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है जिससे जेम्स को सोने की कहीं जगह नहीं मिलती। और वहीं वो देखता है कि उसका दोस्त उस गाड़ी में बैठा होता है जिसे गाड़ी का मालिक लॉक करना भूल गया होता है और वो जेम्स को अपने साथ गाड़ी में बैठा लेता है और उसे ड्रग्स ऑफर करता है जिसे पीकर वो लोग सो जाते हैं। और सुबह जब गाड़ी का मालिक आता है तो उन दोनों को अपनी गाड़ी में सोता हुआ पाता है, जिससे उसका दोस्त तो भाग जाता है लेकिन ड्रग की वजह से जेम्स उठ नहीं पाता और हमें उसे हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहां वेल नाम की लेडीज उस पर ड्रग्स लेने पर गुस्सा होती है और उसे बताती है कि अगर उसने दोबारा ड्रग्स लिए तो उसकी जान जा सकती है, जिससे जेम्स भी खुद पर बहुत गुस्सा होता है और उसे बताता है कि वो दोबारा ड्रग्स को हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन वेल उसे बताती है कि उसने उससे ये बात पहले भी सुनी है और फिर डिस्चार्ज होने के बाद वो दोबारा वेल से मिलता है जहां वेल उसे हफ्ते में दो बार ड्रग्स छोड़ने के प्रोग्राम को अटेंड करने की बात बताती है और उसका गाना सुनती है, जिससे इम्प्रेस होकर वो अपने काउंसिल से बात करके उसके रहने की व्यवस्था कर देती है और उसे फ्लैट की चाबी देकर चली जाती है। और उस फ्लैट और गर्म पानी को देखकर जेम्स बहुत खुश होता है और हॉट शावर लेने चला जाता है। और तभी उसे अपने फ्लैट में कुछ आवाज सुनाई देती है जिससे वो बाहर निकलकर एक बिल्ली को देखता है जो विंडो से उसके घर के अंदर आ गई होती है और उसका खाना खा रही होती है। और जेम्स उसे दूध पीने को दे देता है और उसे अपना गाना सुनाता है और सुबह उसके मालिक को ढूंढने निकल जाता है और हर डोर पर जाकर उसके मालिक को ढूंढता है लेकिन उसे कोई नहीं मिलता, जिससे वो उसे वहीं छोड़कर अपने काम पर निकल जाता है और अपनी दवाइयां लेकर एक दुकान के बाहर गाना गाता है, जिससे दुकान का मालिक बाहर आकर उसे भगा देता है। और वहीं वो अपने पिता को देखता है और उनसे बात करता है और उन्हें ड्रग प्रोग्राम अटेंड करने के बारे में बताता है। लेकिन तभी उसकी सौतेली माँ आकर उनसे घर चलने को कहती है, जिससे जेम्स उनके साथ में क्रिसमस मनाने और डिनर करने को कहता है, जिससे उसकी माँ मना कर देती है और उसके पिता उसे कुछ पैसे देकर वहां से चले जाते हैं। और जब जेम्स घर वापस आता है तो वो उस बिल्ली को घायल देखता है और अपनी पड़ोसन बेटी से उसके बारे में पूछता है, जिससे वो उसे अंदर बुला लेती है और उसका घाव देखकर उसे बिल्ली को डॉक्टर को दिखाने को कहती है, जिससे पैसों की सोचकर जेम्स उसे बताता है कि वो उसकी बिल्ली नहीं है। लेकिन बेटी उसे बताती है कि वो उसके साथ रहना चाहती है और वो उस बिल्ली को बॉब कहकर बुलाती है और जेम्स को डॉक्टर का कार्ड दे देती है और बताती है कि वो एक वॉलंटियर है जो जानवरों की मदद करती है और उनके लिए बहुत से प्रोग्राम चलाती है। और फिर जेम्स उसे ले जाकर एक डॉक्टर के पास दिखाता है और अपने बचे पैसों से मजबूरन उसकी दवाई खरीद लेता है और घर आकर जैसे ही उसे दवाई खिलाने की कोशिश करता है वो दवाई नहीं खाती है, जिससे जेम्स परेशान होकर वो अपनी पड़ोसन के यहाँ जाता है जो आसानी से उसे दवाई खिला देती है क्योंकि उसने पहले भी बहुत से डॉग को पाला होता है। और वो उस बिल्ली के खाने का सामान उसे दे देती है और वहीं जेम्स उसे बताता है कि वो एक म्यूजिशियन है जो अपने गाने खुद बनाता है। और अगले दिन वो वेल के यहाँ प्रोग्राम में जाने में लेट हो जाता है, जिससे वेल उस पर नाराज होती है और वो उसे बॉब और बेटी के बारे में बताता है, जिससे वेल उसे बताती है कि अब उसे रिलेशनशिप के बारे में सोचना चाहिए। और बहुत सी बातें करने के बाद वो वापस आ जाता है और सुबह जब काम पर निकलता है बॉब उसे फॉलो करने लगती है, जिससे जेम्स उसे घर जाने को कहता है लेकिन बॉब उसे बिना बताए बस में चढ़ जाती है, जिससे सभी उसे देखते हैं। और सबका टेंशन लेने के बाद वो जेम्स के पास चली जाती है, जिससे जेम्स उसके गले में रस्सी डालकर उसे घुमाता है और कुछ समय बाद सर पर बैठा देता है, जिससे हर कोई उसकी और उसकी बिल्ली की तारीफ करता है
और जेम्स जैसे ही गाना गाना शुरू करता है, बॉब सबका अटेंशन अपने पास कर लेती है, जिससे बहुत से लोग उसका गाना इंजॉय करते हैं। और देखते ही देखते भीड़ बढ़ती चली जाती है, जिससे बाकी दिन के मुकाबले उसकी बहुत अच्छी कमाई होती है। और शो के बाद जेम्स बहुत खुश होता है, और एक लेडीज आकर उसे बताती है कि उसे एक बहुत अच्छा पार्टनर मिला है, जो भरोसे के मामले में इंसान से बहुत अच्छा है। और वहीं उसका दोस्त बज ये सब देख रहा होता है, और ये लोग वापस घर आ जाते हैं। और जेम्स अगले दिन जैसे ही काम के लिए निकलता है, वो देखता है कि बेटी जानवरों के लिए एक वॉलंटियर प्रोग्राम चला रही होती है, और वहीं बज उससे मिलता है, जिससे उसे देखकर वो उससे दूर जाने लगता है, और वो उससे मदद मांगता है, जिससे जेम्स उसे खाने के लिए कुछ पैसे दे देता है और वापस अपने काम पर आ जाता है। और दूसरे दिन भी उसकी बहुत अच्छी कमाई होती है, और शो के बाद एक लेडीज आकर बॉब को एक स्कार्फ दे देती है, जिसे वो उसके गले में बांध देता है, और रास्ते में बेटी से मिलता है और उससे डिनर के बारे में पूछता है, जिससे वो राजी हो जाती है। और ये लोग रात में डिनर करते हैं, और इनके बीच काफी बात होती है, जिसके बाद जेम्स सुपरमार्केट जाके उसके लिए कुछ फूड खरीदता है और बेटी के लिए एक फूलों का बुके खरीदता है। और जैसे ही वापस आ रहा होता है, अपने दोस्त को देखता है, जो ड्रग्स ओवरडोज के कारण बेहोश पड़ा होता है, और वहीं बेटी आ जाती है, जिससे ये उसकी मदद करते हैं, और फिर एक एम्बुलेंस आकर उसे हॉस्पिटल ले जाती है। और ये लोग अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाते हैं, जहां बेटी उसे बताती है कि वो जिस अपार्टमेंट में रहती है वो उसके भाई का है, और वो अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, लेकिन ड्रग्स ओवरडोज की वजह से उसकी उसी अपार्टमेंट में मौत हो गई थी, जिससे वो अपने भाई की याद में इस अपार्टमेंट में आकर रहती है, और उसे बताती है कि वो ड्रग्स से नफरत करती है। और अगले दिन जेम्स अपने थेरेपी सेशन में जाता है और वेल को अपनी लाइफ के बारे में बताता है, और फिर वो और बेटी क्रिसमस की तैयारी करते हैं, और वो बेटी को एक क्रिसमस गिफ्ट देता है, और बेटी भी उसे अपने भाई की पेंटिंग गिफ्ट में दे देती है, जिसके बाद ये बहुत सारा समय साथ में बिताते हैं। और फिर रात में जेम्स अपने पिता के घर क्रिसमस मनाने जाता है, और अपने पिता को क्रिसमस विश करता है, और घर के अंदर आ जाता है, लेकिन उसके पिता उसे देखकर ज़्यादा खुश नहीं होते, और वो उनके बच्चों से मिलता है, और तभी बॉब उसकी जैकेट से बाहर निकल जाती है, जिसे उसने छुपाया होता है, और घर में भागना शुरू कर देती है, और क्रिसमस ट्री को खराब करके गिरा देती है, जिससे जेम्स उसे संभालता है, और उसकी सौतेली माँ उसे घर से बाहर निकलने को कहती है, जिससे उसके पिता अपनी पत्नी पर गुस्सा होते हैं, और जेम्स उसे एक रूम में लेकर आ जाता है, और उनके बीच लड़ाई को देखकर घर से दुखी होकर चला जाता है। और अगले दिन बॉब के साथ रोड शो करता है, जहां एक आदमी उसे परेशान करता है, और उनके बीच बहस हो जाती है, जिससे पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है, लेकिन उसकी कोई गलती ना होने की वजह से उसे छोड़ दिया जाता है, लेकिन उसे रोड शो करने से बैन कर दिया जाता है। और वो वेल से बॉब के बारे में पूछता है, जो उस समय एक डॉग को देखकर भाग गई होती है, और वेल उसे थेरेपी सेशन अटेंड करने को कहती है, लेकिन वो बॉब के बारे में सोचता है, और फ्रस्ट्रेट होकर एक दुकान में जाकर ड्रग्स लेता है, जिससे बेटी उसे ऐसा करते हुए देख लेती है, और नाराज होकर वहां से चली जाती है, जिससे जेम्स उसे समझाने की कोशिश करता है, और उसे बॉब के गुम होने के बारे में बताता है, जिससे बेटी उसे बताती है कि वो जिंदगी भर रोड पर गाना नहीं गा सकता, उसे अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए, और वहां से चली जाती है। और वो घर आकर देखता है कि बॉब वहीं होती है, और अगले दिन वो एक जॉब ज्वाइन कर लेता है, और बॉब को लेकर जॉब पर जाता है, जहां उसे देखकर बहुत से लोग उसकी ओर आकर फोटो खिंचवाते हैं, जिससे उसकी अच्छी कमाई होती है। और वहीं उससे प्रेटर गनर मिलता है, जो एक राइटर होता है, और वो जेम्स को उसके और बॉब के पेपर में एक आर्टिकल लिखने के बारे में बताता है, और उनकी फोटो लेकर चला जाता है। और हम देखते हैं कि और भी लोग जो उसी जगह जॉब कर रहे होते हैं, जेम्स की वजह से उनकी सेल नहीं हो रही होती है, जिससे वो जेम्स से चिढ़ने लगता है। और अगले दिन जब वो काम पर जा रहा होता है, तो एक कपल आकर बॉब के साथ तस्वीर खिंचवाता है, और जबरदस्ती उसे चीजें लेकर पैसे देकर वहां से चला जाता है, जिससे एक आदमी उसकी कंपनी में कंप्लेन कर देता है, क्योंकि जिस जगह पर उस कपल ने उससे चीजें खरीदी होती हैं, उस जगह पर कंपनी ने दूसरे आदमी को चीजें बेचने के लिए रखा होता है, जिससे उसे एक महीने के लिए कंपनी से निकाल दिया जाता है। और वो देखता है कि उसकी सेविंग भी खत्म हो रही होती है, जिससे उसे जीने और खाने में प्रॉब्लम होने लगती है, और वो परेशान हो जाता है।
और वापस कचरे से उठाकर चीजें खाने लगता है और रोड शो करना शुरू करता है। लेकिन उसकी कमाई नहीं होती और वहीं बैटी आकर उसे रोड शो करने से मना करती है क्योंकि इससे पुलिस आकर उसे पकड़ सकती है। लेकिन वो उसे बताता है कि उसके सारे पैसे खत्म हो गए हैं और दोबारा अपनी जॉब पर लग जाता है, जहां एक लेडीज उससे उसकी बॉब को खरीदने के बारे में कहती है, जिससे वो मना कर देता है और बॉब कुछ कुत्तों को देखकर वहां से भाग जाती है, जिससे जेम्स उसे पकड़ता है लेकिन वो उसे नहीं मिलती। और हम देखते हैं कि पेपर पर उसका आर्टिकल छप जाता है, वहीं जेम्स को बॉब कहीं नहीं मिलती, जिससे वो परेशान हो जाता है और घर चला जाता है। वहीं वेल देखती है कि उसकी और बॉब की वीडियो भी वायरल हो जाती है, जिससे लोगों ने देखा होता है और अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा होता है। और वो देखता है कि रात में बॉब उसके पास वापस आ जाती है, जिससे वो खुश हो जाता है। और सुबह वेल उसे मिलने बुलाती है, जिससे इनके बीच बात होती है। और फिर वो बैटी से मिलने चला जाता है और उससे माफी मांगता है, जिससे बैटी उसे माफ कर देती है। और जेम्स भी अपनी ड्रग्स की आदत से छुटकारा पाने की कोशिश करता है, जिससे उसे परेशानी होती है, लेकिन वो कामयाब हो जाता है और अपने लास्ट थेरेपी सेशन को कंप्लीट करके वहां से बैटी के पास चला जाता है, जो अपना अपार्टमेंट छोड़कर अपने पेरेंट के घर पर जा रही होती है, जिससे जेम्स थोड़ा सा निराश हो जाता है और वो जेम्स को अपना नंबर देकर चली जाती है। और वहीं जेम्स एक एडिटर से मिलने जाता है, जो उसे उनके ऊपर एक बुक लिखने की बात उसे बताते हैं, जिसे वो मान लेते हैं। और फिर वो अपने पिता के घर जाता है और उन्हें अपने ड्रग्स छोड़ने के बारे में बताता है, जिससे उसके पिता अपने पर्स में से उसकी एक फोटो निकाल कर उसे देते हैं और उसे बताते हैं कि उन्हें हमेशा से उसकी फिक्र रहती थी और उससे माफी मांगते हैं कि उन्होंने उसकी सही से देखभाल नहीं की। और ये बहुत इमोशनल सीन होता है और जेम्स घर आकर अपनी और बॉब की बायोग्राफी लिखने में लग जाता है। और फिर हम देखते हैं कि उसे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा होता है और वहीं बैटी भी उससे मिलने आ जाती है और उसे विश करती है। और हमें उसके पिता और बहुत से लोगों को बुक सेरेमनी में दिखाया जाता है, जहां जेम्स बॉब को अपना बेस्ट फ्रेंड बताता है, जिसने उसकी जिंदगी को बदला होता है। और हमें मूवी के लास्ट में रियल हीरो को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर ये मूवी बनी होती है। दोस्तों, ये मूवी एक असली कहानी से प्रेरित है, जिसमें जेम्स नाम के लड़के ने तनहाली में अपने दिन बिताए होते हैं और 2012 में उसकी बुक को बेस्ट सेलर बुक से नवाजा गया होता है। दोस्तों, 2012 में रिलीज हुई इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.4 है और $8 मिलियन बजट में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर $18 मिलियन की कमाई की थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर लौटूंगा एक नई मूवी की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।